जय हिंद दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो महात्मा गांधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण और रिपीटेड जीके क्वेश्चन है उससे संबंधित है। हालांकि जो इसका पूरा चैप्टर है वो मैं पहले ही वीडियो में करवा चुका हूँ, तो ये जो है आपका एक तरह से प्रैक्टिस सीजन मान लीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको या आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, एग्ज़ाम के लिए भी और वैसे भी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नाम महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869, मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जीवन साथी कस्तूरबा गांधी, बच्चों के नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हालांकि ये क्वेश्चन और बनता है कि जमन पांचवी संतान के रूप में गांधी जी किसे मानते थे, तो वे थे जमनलाल बजाज। शिक्षा हुई थी इनकी 1880 में मैट्रिक परीक्षा होती इनकी, 1891 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे। अब देखते हैं हम गांधी जी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन हैं उनको। पहला पर्सन है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। दो, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, अहमदाबाद से। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 5, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी, अहमदाबाद में 1917 में। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है यह उक्ति किसने कही थी, विंस्टन चर्चिल ने। किसने, विंस्टन चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से 1921 किसने किया था, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था, रिकटिंग साजेंट। क्या कहा गया था, रिकटिंग साजेंट। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है, नेताजी के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था, चंपारण में 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिया जाने के विरुद्ध। और चंपारण कहाँ है, यह बिहार में। तो पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में। और अब पूछ जाए कि भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया जाए, तो वो किया था चंपारण बिहार में। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया, अहमदाबाद आंदोलन 1918। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था, आगा खान पैलेस में,
जो कि पुणे में। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? बेव मिलर। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 22, यंग इंडिया पत्रिका के शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 23, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 24, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 26, अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कौन सा विचार? अंत्योदय। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? सत्य और अहिंसा, और यही इनके दो प्रमुख अस्त्र थे। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? भारत के पूर्ण साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण साम्राज्य की मांग। क्वेश्चन नंबर 29, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? उदली बाई। क्वेश्चन नंबर 32, सी आर सी दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 1923 को। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 34, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन्म तो नरसिंह मेहता किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। प्रिय गीत कौन सा था? वैष्णव जन तो, और ये किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा में नहीं बल्कि मन में है? तो ये कहा था गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है वो क्या है? सत्य और अहिंसा, इन दोनों से सत्याग्रह का जुड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 39, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर 42, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 43, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। क्वेश्चन नंबर 44, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? सर्वोदय समाचार पत्र का संपादन। क्वेश्चन नंबर 45,
गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 48, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था पत्रिका का? इंडियन ओपिनियन। और ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 50, अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 52, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया? आगा खान पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 53, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। यह 1933 में प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 55, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन का विरोध किसने किया था? टोलैक्ट एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 56, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 57, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 58, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? वो किया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 59, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था, यह समझा गया था कि यह यात्रा तो अहम ही है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस यात्रा ने क्या क्या खेल दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 60, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? बारदोली में। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? विनोबा भावे को। क्वेश्चन नंबर 62, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 63, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? न्यासधारिता। कौन सा सिद्धांत? न्यासधारिता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 65, महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, वे कौन थे? वे थे ई.वी. रामास्वामी नय्यर। ये जो है महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे और उन्होंने उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 66, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 67,
गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से। क्वेश्चन नंबर 68, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जो रिपीट हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि वे इसी वीडियो में रिपीट हुए हैं, वो जो है जो एग्ज़ाम हुए हैं हाल ही में उन सभी में ज़्यादातर वे ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो इस वीडियो में भी रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 70, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 71, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 72, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 73, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का। क्वेश्चन नंबर 74, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर की अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 75, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्वेश्चन नंबर 76, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? अगस्त महीने में। क्वेश्चन नंबर 77, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 80, दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 81, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 82, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रज। कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रज। क्वेश्चन नंबर 83, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? अहिंसा का। क्वेश्चन नंबर 84, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 87, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 88, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 89, सरोजनी नायडू को नाइटिंगल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 90, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गुजराती भाषा में लिखी गई है
महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए महादेव देसाई ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन बी 21 वर्ष। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। क्वेश्चन नंबर 5, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? चोरी चोरा घटना के बाद, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? अहमदाबाद गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? सत्य और अहिंसा का। दोस्तों, ये तो हो गए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब देखते हैं हम महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, एक ही स्लाइड में। महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन थे वो कौन कौन से हैं? एक तो है 1917 चंपारण आंदोलन, दूसरा है 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन, तीसरा है 1919 में हुआ खिलाफत आंदोलन, चौथा है 1920 में असहयोग आंदोलन, पांचवा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और छठा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये 6 जो है गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है जो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे या किए थे। अब देखते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें। आत्मकथा, ये भी इनकी पुस्तक है, मेरी जीवन की कथा, बापू की सीख, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, राम नाम, गीता बोध, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो कि जेल में लिखी गई है। तो ये सभी जो है गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं। इसमें से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन किताब को पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी जी का अंतिम दिन, गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को जी को गोली मारी गई जिससे महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई। अंतिम समय में उनके होठों पर एक ही शब्द था, हे राम, और उनकी आत्मा शरीर से निकलकर परमात्मा से मिल गई। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू सो मच।